पहले मैं भाग के पकड़ने का ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पे मतलब ऑफिसेज वाला एरिया है ना पूरा, तो वहाँ से कौन अ डे इन माय लाइफ एज अ मास्टर स्टूडेंट, उन्हें अपनी रिजर्वेशन दिखानी है और उनकी फीडबैक। यहाँ पे अंदर जाके हमारी लैब्स हैं और इस साइड टेस्ट, ये रही हमारी लैब। और प्रोफेसर ने कहा शायद लास्ट टाइम आ रहा हूँ, बहुत अजीब लग रहा है। और ये है लॉयड इंस्टीट्यूट, इसके अंदर अभी मेरी क्लास। पूरी बिल्डिंग लाइब्रेरी है, चार पांच फ्लोर। तो पूरी रात सोया भी नहीं हूँ, रेजिटेशन काम कर रहा था तो नींद भी आ रही है। ये मेरे 5 साल की कॉलेज लास्ट क्लास होने वाली है। और यहाँ से लेफ्ट लेके स्टार्ट हो जाते हैं ग्राफ्टन। और ये है डॉसन स्ट्रीट, तो मैं ग्राफ्टन। और ये रहा भाई बुक ऑफ केल्स की एंट्री। ये है यहाँ की लाइब्रेरी, बुक ऑफ केल्स जो है। कैसा था भाई अंदर एक्सपीरियंस तेरा बुक ऑफ केल्स का? और ये रहा बुक ऑफ केल्स का एक्सपीरियंस। यहाँ से मैंने पनीर काठी रोल लिया 6 यूरो का, और सामने पाव भाजी लिया। और फुटबॉल हम खेल रहे हैं आज आयरिश टाउन में। आयरिश टाउन गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 11th, हाँ आज है 11th। और सामने से मेरे लुएस निकलने वाली है और मेरे को कॉलेज जाना है। पहले मैं भाग के पकड़ने का ट्राई करता हूँ, फिर बताता हूँ मैं क्यों जा रहा हूँ कॉलेज, और मुझे जाना है या नहीं जाना है, क्यों है नहीं। ये खड़ी और मैं अभी उतरा हूँ जॉर्जेस डॉक पे। यहाँ से कॉलेज की वॉक और कुछ 10 मिनट की है। और यहाँ पर बहुत सारे ऑफिस हैं, तो लोग देखो, ये देखो सुबह के टाइम कितनी भीड़ रहती है सब। यहाँ पे मतलब ऑफिस वाला एरिया है ना पूरा, तो वहाँ से कॉर्नली से लोग उतर के आ रहे हैं और उस साइड ऑफिस की साइड जा रहे हैं। और मैं यहाँ से अंदर जाऊँगा और सीधे निकल जाऊँगा। ये भी मतलब ऑफिस ही हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में, डॉग फ्लैश लैब्स हैं। यहाँ पर स्टार्टअप्स हैं बहुत सारे, तो इस साइड खाने का है, इस साइड स्टार्टअप्स हैं। और आज मैं दिखा रहा हूँ अ डे इन माई लाइफ एज अ मास्टर स्टूडेंट, ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन। तो आज मेरा कॉलेज का 5 ईयर्स का ट्रिनिटी का लास्ट दिन भी हो सकता है। कल है लास्ट दिन, लेकिन कल क्लासेस होंगी नहीं शायद से, क्योंकि कल टी बॉल है। तो आज लास्ट दिन भी हो सकता है और आज का दिन काफ़ी हेक्टिक भी हो सकता है, क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ अपने मास्टर्स के सुपरवाइज़र से मिलने, लाइक डिजर्टेशन के सुपरवाइज़र से मिलने। उन्हें अपनी रिजर्वेशन दिखानी है और उनकी फीडबैक वगैरह लेनी है। और फिर AI की एक क्लास है, AI जाना है। एंटरप्रेन्योरशिप की एक क्लास है, वहाँ जाना है। और डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है शायद से, तो बस 2 क्लासेस हैं। AI वाली 2 घंटे की है और एंटरप्रेन्योरशिप भी 2 घंटे की है, तो बढ़िया है। बड़ा अजीब सा लग रहा है, मैंने अभी तक दिखाया नहीं कि व्हाट अ डे इन माई लाइफ लुक्स लाइक, तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा भाई। एक तो अजीब सा लग रहा है कि मेरी कॉलेज लाइफ ख़त्म होने वाली है, इसके बाद जॉब वगैरह स्टार्ट करनी होगी। ये देखो वैसे यहाँ से सीधे उस वाले गेट से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पता नहीं अभी क्यों बंद कर रखा है। वो ब्रिज क्रॉस करके जाना है मेरे को कॉलेज की साइड, तो यहाँ से राइट लेके फिर लेफ्ट लेके फिर वहाँ जाएंगे। टाइम हो रहा है 9:10, 9 बजे मेरे को अपने सुपरवाइजर से मिलना है। यहाँ से 5 मिनट की वॉक है कॉलेज की, फिर मेरी AI वाली क्लास भी 9 बजे से ही है, लेकिन AI में आज कुछ पढ़ाएंगे नहीं। वो हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट था, उसी प्रेजेंटेशन है, मेरी हो गई प्रेजेंटेशन, मेरी लास्ट वीक थी, तो उसमें कुछ नहीं है। और बस अब जाके AI में तो बीच में चला जाऊँगा, 9:30 तक मेरी अपनी सुपरवाइजर से मीटिंग है, उसके बाद वहीं जाके बैठ जाएंगे AI में। उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी जाऊँगा, फिर एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास है, फिर मेरे को सैम से मिलना है, सैम को बुक ऑफ, सैम और मैं साथ में बुक ऑफ केल्स जाएंगे। तो दिन तो आज का पैक्ड है। एक तो सुबह वाली वॉक बढ़िया लगती है मेरे को, मस्त। यहाँ से ब्रिज के ऊपर से जाओ, सामने सैमुअल बेकेट ब्रिज दिख रहा है, उस साइड कॉर्नेल ब्रिज है, और बीच में सीधे क्रॉस करके जाके ट्रिनिटी आ जाता है। और सुबह के टाइम ऐसी भीड़ वगैरह भी होती है, क्योंकि ऑफिस का टाइम है, 9 बजे से ऑफिस वगैरह आ रहे होते हैं। ये आ गया है कॉलेज हमारा, और मेरे को जाना भी ट्रिनिटी सेंट्रल लैब्स, CSE लैब्स, वहाँ पे आगे जाके हैं उस वाली बिल्डिंग में। और ये भी पूरे ट्रिनिटी का एरिया है, ये कॉलेज से बाहर निकल के है, तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता कि ट्रिनिटी कैंपस के बाहर भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन मेरी तो 2 लैब्स हैं, जो अंडरग्राड वाली लैब थी वो भी बाहर ही है, और जो मेन मास्टर्स की लैब्स होती है कंप्यूटर साइंस लैब्स, जहाँ पर हमारे मशीन्स वगैरह होती हैं, वो भी बाहर है, वो फिनिक्स लैब उस साइड जाके, और अंडरग्राड लैब इस साइड है। कल ऑफिशियली मेरा कॉलेज का लास्ट दिन है,
और क्लासेस तो आज ही ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि एयर वाली मैम ने तो ये कहा था कि टी बॉल वाले दिन वो क्लासेस नहीं रखती हैं, तो आज प्रॉब्ली उनकी लास्ट क्लास होगी। और एंटरप्रेन्योरशिप की भी मेरे हिसाब से कल नहीं होगी क्लास, लेकिन आज जाके देख लूँगा क्या कहते हैं सर। यहाँ पे अंदर जाके हमारी लैब्स हैं और इस साइड है टेस्को, यहाँ स्टेयर्स चढ़ के सेकेंड फ्लोर पे हेरी एस सी एस एस लैब वन लैब टू टेक ऑल दिस टॉपलाइन। जाके फटाफट प्रोफेसर से मिल लूँ। ये रही हमारी लैब और प्रोफेसर ने कहा अभी वेट करो क्लास स्टार्ट करते हैं फिर बात करते हैं। अभी लैब में ही बैठा हूँ और डिस्कस ही कर रहा हूँ अपने प्रोफेसर से, वो भी कहीं गए हैं सामने, तो अभी मेरी फीडबैक ही चल रही है, फीडबैक कैसे काम करे क्या करे, तो देखो क्या बताते हैं। कह रहे हैं अभी तो ठीक है लेकिन एक बार फाइनल पूछ लूँ उनसे कैसा लग रहा है आपको। ये रही लैब हमारी कंप्यूटर साइंस लैब अंडर ग्रेड वाली। ये मेरी कंप्यूटर साइंस लैब है एस सी एस एस लैब्स 1 and 2। यहाँ पे तो शायद लास्ट टाइम आ रहा हूँ, बहुत अजीब लग रहा है बहुत ज़्यादा। और मेरी हो गई है मीटिंग मेरे सुपरवाइज़र से, वो बड़े अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प करी, बताया क्या डालूँ क्या ना डालूँ। 5 साल हो गए यहाँ पे और वैसे जाने में इतना बुरा सा लग रहा है ना, पता नहीं तो नहीं आऊँ, तो मास्टर्स भी हो गए यहाँ क्यों आऊँगा। यहाँ तो ख़त्म, अब चलते हैं AI की क्लास में। AI की क्लास में मेरा तो कुछ काम है नहीं, मेरी प्रेजेंटेशन वगैरह हो चुकी है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ इट लास्ट क्लास है, चला जाता हूँ और वहाँ पे बैठ के थोड़ा अपना डिजिटेशन का ही काम कर लूँगा। लेकिन हाँ बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। ये रहा कॉलेज, ये रही कॉलेज की बैक साइड, यहाँ से एंट्री लेते हैं और कॉलेज की क्लास में घुसते हैं। अब सीधे AI की क्लास में जाता हूँ, 1 घंटे की क्लास है, फिर देखता हूँ 2 घंटे कहाँ बैठूँगा, फिर मेरी 1 बजे से एक और क्लास है, तो 2 ही क्लास हैं आज और 1 मीटिंग थी, फिर बुक ऑफ कर जाना है, उसके बाद कहीं लंच वगैरह कर लेंगे। और ये है लॉयड इंस्टीट्यूट, इसके अंदर अभी मेरी क्लास है LBO 1 में। मोस्टली कंप्यूटर साइंस की क्लासेस यहीं होती हैं या फिर हैमिल्टन में होती हैं, आर्ट्स बिल्डिंग में तो बहुत कम होती हैं। है भी क्लास नहीं है पता नहीं भाई, देखता हूँ जाके ख़त्म तो नहीं हो गई। ये रही क्लास अंदर से, देख लो ये एक ही क्लास है। ख़त्म ये क्लास भी, क्लास ख़त्म हो गई है, अब जा रहा हूँ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बैठ के काम करूँगा। और लैब जाने का मन तो कर रहा है लेकिन लैब थोड़ी दूर पड़ जाती है, दूर क्या मतलब मास्टर्स वाली लैब है तो वहाँ पे बैठने में इतना मज़ा नहीं आता, धूप पड़िया निकल रही है। अशर लाइब्रेरी जाऊँगा वहाँ बैठूँगा और वहाँ पर काम कर, भाई काम इतना है ना, एक तो अभी टाइम मिल नहीं रहा है कुछ और करने का। और ये है हैमिल्टन बिल्डिंग, यहाँ पर भी काफ़ी क्लासेस होती हैं मेरी, लेकिन मेरी अगली क्लास उधर है आर्ट्स बिल्डिंग में, तो वहीं की लाइब्रेरी में जाके बैठ जाता हूँ। ये है रग्बी फील्ड और उस साइड है क्रिकेट और फुटबॉल फील्ड, और ये जाली यहाँ पे इसलिए लगाई क्योंकि यहाँ पे टी वॉल है तो लोग ग्राउंड ग्राउंड में ना जाएं, तो ये पूरा ऐसे बंद कर देंगे रात को। और एक बार जाके दिखा रहा हूँ टी वॉल वाली साइड पर क्या हो रहा है। यहाँ पे ऐसे पोर्टेबल वॉशरूम्स लगे हैं और यहाँ पे भी भाई पूरा टी बॉल का ही काम चल रहा है। कल है ना टी बॉल, इस बार टी बॉल जा भी नहीं रहा क्योंकि डिसर्टेशन ड्यू है मेरी, वरना लास्ट टी बॉल तो भाई पक्का जाता मैं। यार डिसर्टेशन का मतलब मैंने ड्यू डेट 1 हफ्ते बढ़ा देनी चाहिए अगर इन्हें पता है टी बॉल है, वरना ऐसे क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। मेरा तो 5 साल पढ़ा यार, जाना बनता तो है मेरा, लेकिन डिसर्टेशन भी ज़रूरी है। ये है आर्ट्स बिल्डिंग और यहाँ तो खाली वॉशरूम आया था मैं, अब जाता हूँ अशर लाइब्रेरी, इसका रास्ता यहाँ से तो नहीं है लेकिन मैं अंदर आई गया तो मैंने सोचा दिखाई देता हूँ। ये
ये लाइब्रेरी है पूरी, मतलब पूरी बिल्डिंग लाइब्रेरी है, 4-5 फ्लोर की 6 फ्लोर की, ऊपर से नीचे तक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी से भी निकल गया हूँ और अभी 15 मिनट में क्लास है, तो सोच रहा हूँ थोड़े ग्राफ्टन घूम आता हूँ। बताया था कि आर्ट्स बिल्डिंग में ही है क्लास मेरी, तो आर्ट्स से तो बाहर निकलते ही ग्राफ्टन स्टार्ट हो जाती है, तो ग्राफ्टन जाता हूँ 15-20 मिनट थोड़ा घूम के आता हूँ, फिर क्लास में बैठता हूँ। एक तो पूरी रात सोया भी नहीं हूँ, डेडिटेशन का काम कर रहा था तो नींद भी आ रही है, लेकिन आज लास्ट दिन है और प्रॉबेबली लास्ट क्लास होगी, क्योंकि AI वाली तो कल वाली कैंसिल हो गई, उसका मेल आ गया, उनका पूरा सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट हो गया है, और AI का तो हमारे सारे असाइनमेंट्स वगैरह सब सबमिट हो गए, तो AI में तो अब कुछ नहीं बचा। एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा बचा है हमारा, कॉस्ट एनालिसिस मतलब बिजनेस प्लान वगैरह बनाना बचा है, तो उसमें थोड़ा सा मेरे को पूछना है प्रोफेसर से, तो वो पूछ लूँगा। अगर कल एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास होएगी तो होएगी, वरना ये मेरे 5 साल की कॉलेज लास्ट क्लास होने वाली है। और ये रहा कॉलेज, ये है बुक ऑफ कैल्स, वहाँ पे जाऊँगा भी थोड़ी देर में, और ये रहा आर्ट्स ब्लॉक। इधर कॉलेज के गेट से निकला था और ये सामने ग्राफ्टन स्टार्ट हो गई, ये लेफ्ट में ग्राफ्टन है और यहाँ से लेफ्ट लेके स्टार्ट हो जाते हैं ग्राफ्टन। बढ़िया धूप निकल रही है आज, थोड़ा घूमता हूँ 15 मिनट, फिर वापस क्लास जाता हूँ। 15 मिनट में क्या होएगा, एक सीधे जा के चक्कर लेके वापस आ जाता हूँ। अभी पीछे परफॉर्मेंस चल रही थी और यहाँ पे ये सेंट स्टीफन्स पार्क है, ये मतलब सिटी सेंटर ही है, बहुत फेमस पार्क है, तो यहाँ पे भी लोग आते हैं। और ये देखो घोड़ा गाड़ी खड़ी है भाई, इसके भी मतलब 30 यूरोज होते हैं, तो शॉर्ट ट्रिप्स के 30 यूरोज और लॉन्ग ट्रिप्स के 40-50 यूरोज ऐसे कुछ होते हैं। और ये है डॉसन स्ट्रीट, तो मैं ग्राफ्टन से घूम के आया था, ऐसे घूम के ऐसे आके अब सीधे डॉसन स्ट्रीट कॉलेज जा रहा हूँ। एक ही बात पढ़ दिया मैंने, कहा डॉसन स्ट्रीट भी देख लेता हूँ एक बार, और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है डॉसन स्ट्रीट और वो रहा सामने कॉलेज का एंट्रेंस, मेरे सामने कॉलेज का एंट्रेंस, बस जाता हूँ अंदर। भाई इतनी भीड़ क्यों हो रही है कॉलेज में? अच्छा, अरे मेन गेट बंद है ना, ऐसे सब यहाँ से आ जा रहे हैं, वही मैं सोचूँ कि कॉलेज में गायब की भीड़ है। और मैं आ गया हूँ आर्ट्स बिल्डिंग में और मेरी क्लास है JM Singh में, यहाँ पे जो भी से कहते हैं उस थिएटर में, तो यहाँ पे बैठे बोरा सामने थिएटर आर्ट्स बिल्डिंग में, तो बहुत टाइम बाद और उन्होंने कहा है कि कल लास्ट क्लास होगी शाम को 4 बजे, लेकिन कल टी बॉल है तो मेरे को लगता नहीं उसमें कोई आने वाला है, तो टेक्निकली ये लास्ट क्लास ही थी। और ये है आर्ट्स ब्लॉक, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की क्लासेस होती हैं इसलिए इतना बिजी रहता है। हैमिल्टन हो गया और लॉयड हो गया, वो तो काफ़ी खाली बिजनेस बिल्डिंग में भरी रहती है काफ़ी, लेकिन सबसे ज़्यादा आर्ट्स बिल्डिंग भरी रहती है। क्लास ख़त्म हो गई है और तेरा कॉलेज ख़त्म हो ही गया है, कल वाली क्लास में को लग नहीं रहा मैं आऊँगा, क्योंकि डेजर्टेशन वीडियो का भी काम करना है, टी बॉल है तो। और ये प्रोफेसर भी खुद कह रहे थे आई डोंट माइंड इफ एनीवन वेयर फॉर्मल्स टू माय क्लास, क्योंकि उन्हें खुद भी पता है कल टी बॉल है, लोग नहीं आने वाले, तो ख़त्म ही हो गया कॉलेज मेरा। अभी बस सैम का वेट कर रहा हूँ, सैम आएगा फिर बुक ऑफ कैल्स जा रहे हैं, उसके बाद लंच करेंगे, फिर मैं घर निकल जाऊँगा और शाम को फुटबॉल खेलने जाऊँगा, और डेजर्टेशन तो करनी है, वो चल ही रही है साथ में। सैम आ गया है और अभी हम जा रहे हैं बुक ऑफ कैल्स, उसने कहा बुक ऑफ कैल्स के बाहर ही आ जा, तो देख रहा हूँ आसपास नहीं दिख जाए, तो अभी कह रहे थे क्रिकेट फील्ड के पास है, तो क्रिकेट फील्ड से यहाँ तक आने में इतना टाइम तो लगता नहीं है। ओह दिख गया, दिखाऊं? वो देखो ग्रीन जैकेट में बड़ा सा आदमी, वो वाला, ए, मिल गया। और सैम आ गया है यहाँ पे, ये 5 साल में पहली बार बुक ऑफ कैल्स जा रहा है, भाई कैसा लग रहा है? पहले कभी गया है? तू यहीं से रोज निकलता है ना? नहीं गया, मैंने सोचा टाइम में चले जाऊंगा, अब तो जाने ही पड़ेगा। और ये रहा भाई बुक ऑफ कैल्स की एंट्री, यहाँ से जाते हैं अंदर। फोटोज लेना अलाउड होता है ना? हाँ अलाउड ही होता होगा फिर तो। चलो चले अंदर।
और ये है यहाँ की लाइब्रेरी, बुक ऑफ केल्स जो है। यही है जिससे ट्रिनिटी फेमस है, हर फोटो में ये दिखा देते हैं भाई। और पता है खास बात, यहाँ पे पढ़ भी नहीं सकते, ये खाली दिखाने की है, टूरिस्ट स्पॉट बना रखा है इन्होंने। अभी यहाँ की रिनोवेशन वगैरह चल रही है तो सारी बुक्स वगैरह निकाल रखी हैं यहाँ से, खाली स्टार्टिंग में दिखाने के लिए लगा रखी थी। और ये है यहाँ की फेमस बुक ऑफ केल्स, देख ली भाई। आ गया मजा, इसके लिए एक घंटे अंतरराष्ट्रीय की क्लास में बैठा हूँ मैं, पढ़ के पता क्या लिखा है। लिखा तो है और यहाँ पे पूरी टी बॉल की तैयारी चल रही है, इसलिए बैरिकेडिंग वगैरह हो रखी है। भाई कैसा था भाई अंदर एक्सपीरियंस तेरा बुक ऑफ केल्स का? इनसेन, अब मेरा प्रूफ है मैं इस कॉलेज में पढ़ा हूँ भाई, फोटो भी खिंचा ली अब तो कोई कह ही नहीं सकता। और अभी एक्सपीरियंस वाला कंटिन्यू हो रहा है आगे जाके। इसकी टिकट है 25 यूरोज, लेकिन हम स्टूडेंट हैं तो हमें फ्री मिली, वरना टूरिस्ट वगैरह आते हैं 25 से 35 के बीच की है। अभी सामने एक रेड बिल्डिंग इन्होंने नया बनाया है, बुक ऑफ केल्स का एक्सपीरियंस सेंटर, वहाँ जा रहे हैं, वो रहे सामने लाल बिल्डिंग। और ये रहा बुक ऑफ केल्स का एक्सपीरियंस सेंटर, अभी बस यहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे भी टिकट दिखानी है क्या भाई? लग तो रहा है, हाँ वो चेक कर रही है। चलो टिकट निकाल लेता हूँ पहले। ये रहा बुक ऑफ केल्स का एक्सपीरियंस सेंटर, ये तो बिल्कुल ही नया बना है, तो इसके अंदर देखते हैं क्या खास है। हिस्टोरिकल डस्ट है भाई इसके अंदर, लिखा तो यही है, देख क्या है ये सब। द मैरिज सर्टिफिकेट ऑफ जेम्स 3 एंड मारिया क्लेमेंटिना सोबीस का, क्या है ये? अलग अलग बुक्स रखी हुई है इसके अंदर, मेरे को तो नहीं लगता है, खुलता भी है तो खाली दिखाने के लिए लगा रखा है। सामने कुछ है, सामने कुछ बढ़िया सा लग रहा है। ये री और ये है लास्ट चीज ट्रिनिटी की गिफ्ट शॉप, बड़ी फेमस है, तो यहाँ पे भी ट्रिनिटी का बहुत सारा सामान मिलता है। वो रहा सामने कॉलेज, कॉलेज से निकले हैं और अभी हम जा रहे हैं मिनी इंडिया कुछ खाने के लिए। तो ये सब यही मुड़ोगे आज हैं? सही में भाई कभी घूम घूम के आ रहे हैं। और अभी मिनी इंडिया आ गए हैं, भाई क्या खाएगा? मैं तो एक समोसा ले लूँगा। चलो मैं देखता हूँ क्या खाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ क्या लूँ, पनीर काठी रोल। यहाँ से मैंने पनीर काठी रोल लिया 6 यूरो का, और सामने पाव भाजी लिया 6 यूरो की। कैसी है भाई? ये मैं खा के बताता हूँ कैसा है। मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में कहा था कितनी बढ़िया धूप निकल रही है, अरे देखो क्या मस्त बारिश हो रही है भाई। तू भी धूप में निकला था पॉइंट से? हवा थी भाई, बेस्ट मौसम लगता है मेरे को। पर चल अभी बारिश हो रही है लेकिन इतनी ठंडा नहीं है। सुबह ठंडी ज्यादा थी भाई। अभी हमने अभी स्ट्रीट से लुइस लिए और वापस पॉइंट जा रहे हैं, और बारिश तो भाई होने लगी। अब देखो आ गया हूँ मैं कॉलेज से वापस और बाहर अभी बारिश हो रही है। तो ये था अ डे इन माय लाइफ एज अ मास्टर स्टूडेंट इन ट्रिनिटी, और ये एक ये भी था लास्ट डे ऑफ माय कॉलेज। तो वीडियो इतनी बनी है, बस आया हूँ डिसर्टेशन का काम करना स्टार्ट करता हूँ, जाता हूँ। इतनी वीडियो बनी है, डिसर्टेशन लिखने बैठता हूँ, नीचे का भी दिखा दूँगा क्या चल रहा है, लेकिन उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। तो कॉलेज तो मेरा यही था, कॉलेज का ही दिन था, बाकी डे इन माई लाइफ में बहुत बचा है। अभी फुटबॉल वगैरह खेलने जाऊँगा, नीचे स्टडी रूम जाऊँगा तो उसकी वीडियो दिखाता हूँ। कॉलेज से आके तो सो गया था, और 7 बजे से फुटबॉल स्टार्ट करना था हमें, तो मैं सो के ही उठा 6:50, बहुत तेज़ नींद आ रही थी रात भर जिस वजह था। अब फिर से उठ के काम करना है, तो अभी जा रहा हूँ फुटबॉल खेलने। और फुटबॉल हम खेल रहे हैं आज आयरिश टाउन में,
आयरिश टाउन, देखो पीछे पॉइंट है उस साइड। आयरिश टाउन है पॉइंट से 15 मिनट वॉक, तो मैं 15 मिनट लेट चल रहा हूँ अभी। ये लोग भी वैसे 10 मिनट पहले ही निकले हैं, ये भी थोड़ा सा लेट ही पहुँचेंगे, लेकिन हाँ फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। फुटबॉल खेलने के लिए हम आयरिश टाउन बुक करते हैं, दो जगह है आयरिश टाउन या स्पोर्ट्स को, दोनों में से कोई भी जगह बुक कर लेते हैं। तो बुकिंग के प्राइजेस होते हैं ऐसे, मेरे को प्राइस तो याद नहीं। मैं ये तो हवा चल रही इतनी तेज, बुकिंग के 45 to 60 euros लगते हैं, तो पर पर्सन 4 to 5 euro पड़ता है पर गेम। तो कोई भी एक बुक करके पैसे देता है, सब उसको रेवल्यूट कर देते हैं। तो बस अभी फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, उसके बाद रात को स्टडी एरिया में बैठ के पढ़ूंगा, और कल एक छोटा सा असाइनमेंट ड्यू है कल के लिए वो करना है। यहाँ से सीधे जाके ब्रिज क्रॉस करके वो देखो सामने अविवा स्टेडियम है, अविवा स्टेडियम, वहाँ पे भी यूरोपा लीग का फाइनल भी है, और उससे पहले लेफ्ट जाके आ जाता है आयरिश टाउन और राइट जाके स्पोर्ट्स को। रिंग्स एंड पार्क, और वो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो है आयरिश टाउन स्टेडियम। वहाँ पे केजेस बने हुए हैं, 4 फील्ड बनी हुई हैं क्लोज्ड, वहाँ पे खेलते हैं। तो ये लोग तो पहुँच गए हैं, मैं भी बस पहुँच गया। भाई मुझे लग रहा था मैं लेट हो गया हूँ, वो देखो वो जा रहे हैं। और ये है आयरिश टाउन स्टेडियम, बीच में एथलेटिक्स का है, साइड में पिचेस बनी हुई हैं फुटबॉल के लिए। ऐसे 4 केजेस बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4 स्टार्स बिल्कुल सामने वाला लास्ट है। और अभी बस खेल के निकल गए और वापस आ गए हैं। भाई बहुत थकान हो रही है, 1 घंटे की बुकिंग थी और दूसरे घंटे कोई आया नहीं, तो उस घंटे पूरा खेल लिया,